हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट एंड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के साथ ही हम पढ़ेंगे स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। ये क्या होती है प्रॉपर्टीज, ये हमें पढ़ना है, साथ में इन्हें हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी के बारे में आप लोग सभी जानते हो कि विस्कोसिटी क्या है। किसी भी फ्लूड की जो फ्लोइंग पावर होती है उसके में जो फ्लोइंग पावर होती है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो यहाँ उसमें कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है ये हम मेज़रमेंट करते हैं, और उस मेज़रमेंट को जो करते हैं उसे कहते हैं विस्कोसिटी। इसका मतलब क्या है कि विस्कोसिटी इज अ सिंपली फ्रिक्शन इन द फ्लूड। ठीक है, यानी कि जो हमारा लिक्विड लिया है उसकी डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो उतना ही ज़्यादा विस्कस होगा। ठीक है, विस्कस ज़्यादा होगा क्यों, कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो नेचुरल बात है फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड। इसको अगर हम इससे समझें कि यहाँ पर अगर देखिए कि ये एक लेयर है, हमारे पास कोई एक लिक्विड लिया हुआ है, यहाँ इसकी बॉटम लेयर है, इस बॉटम लेयर की वोरोसिटी वी है, तो नेचुरल बात है ये बॉटम लेयर यहाँ सरफेस से अटैच्ड है। एडहेसिव फोर्सेस की तरह से यहाँ पर हमने अर्थ को लिया हुआ है, अर्थ की सरफेस से मान लीजिए अटैच्ड है, तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होगी नेचुरल बात है उसकी वोरोसिटी इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, उससे ऊपर वाली की उससे भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो टॉप मोस्ट लेयर की वोरोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ये वेलोसिटीज़ में जो डिक्रीज हमें मिल रहा है टॉप टू बॉटम वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम ये कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, साथ में एक लेयर जब दूसरी लेयर पर फ्लो होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जिस तरह से हम रबिंग सरफेसेस का पढ़ रहे हैं, स्लाइडिंग सरफेस का, कि एक सरफेस दूसरी पर स्लाइड हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या है कि पहली वाली सरफेस दूसरी को रोक रही है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से हम कहते हैं कि कोई भी फ्लूड होता है वहाँ पर भी एक फ्रिक्शन जनरेट होता है जब एक लेयर दूसरी लेयर पर स्लिप होती है, स्लाइड करती है। तो जब भी कोई फ्लूड मूव करता है तो वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ कोहेसिव फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उसकी वजह से वो फ्लूड ईजिली मूव नहीं कर पाता। तो ये क्या है, विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट टेंडेंसी जो है कि कोई भी फ्लूड इजीली फ्लो नहीं कर पाता, दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। सो सिंपली वी कैन से कि विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड। ये आपका डिफरेंट हो गया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या आता है कि यहाँ मान लीजिए ये दोनों डिस्टेंस जो अपनी डिफरेंट लेयर्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस डी है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस डी वी वी है। जो फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये वेलोसिटी रिक्वायर टू मेंटेन दिस वेलोसिटी डिफरेंस, यानी कि दो डिफरेंट लेयर्स के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस मेंटेन करना है हमें, कि वो आपको डी वी मेंटेन करके रखना है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो फोर्स लेट एफ है, लेकिन पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया में हमने लिया हुआ है, तो आपकी विस्कोसिटी किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि एफ इज इक्वल्स टू ईटा वी अपॉन डी,
ये जो आपका ईटा दिया हुआ है ये क्या रहता है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। वी आपका क्या हो गया यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स। डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स। एफ, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स किसके लिए हमने लगाया है जिससे कि इन दोनों डिफरेंट लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस है, वो मेंटेन रहे। ठीक है, ये हमने लगाया तो एफ इक्वल्स टू ईटा वी अपॉन डी। अगर हम वी को हम 1 cm/s ले लें, यानी कि वेलोसिटी डिफरेंस जो है, रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस, वो 1 cm/s हो, डी 1 cm डिस्टेंस पर दोनों लेयर्स प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू विस्कोसिटी कोफिशियंट। ठीक है, ये आपका ईटा के बराबर होगा। इसकी यूनिट्स क्या होंगी, फोर्स की यूनिट होती है आपकी प्रोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपकी यूनिट एरिया में लिया हुआ है, इसलिए एफ अपॉन ए हो जाएगा। वी की वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, डी मीटर में है, तो कुल मिला के जो हमारे पास ईटा की यानी कि कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट कैलकुलेट होकर आती है वो कितनी आती है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी को जो हमने अभी तक यहाँ पर बताया वो किस तरीके से बताया कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर टू मेंटेन अ डिफरेंस ऑफ 1 unit इन द 2 adjacent layers ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 unit। ठीक है, सेपरेटेड बाय 1 cm इन CGS, तो यूनिट विस्कोसिटी की क्या होगी CGS में, पॉइस और सेंटीपॉइस। जो हमने अभी कैलकुलेट की MKS में कितनी थी विस्कोसिटी, ये जो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या निकली थी, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं कि ये तो आपने पढ़ा विस्कोसिटी क्या है, इसकी कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है और इसकी यूनिट्स क्या है। नाउ विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है, आप ये जानते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस भी कम होते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बाइंडिंग एनर्जी भी उनकी कम होगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। जब इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कम होंगे तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी भी कम होगी। तो यहाँ पर हम जो कहते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है, विस्कोसिटी इंडेक्स इज द एवरेज डिक्रीज इन विस्कोसिटी पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 100 degree Fahrenheit टू 200 degree Fahrenheit। यानी कि 100 degree Fahrenheit से 200 degree Fahrenheit टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ विस्कोसिटी में जो एवरेज डिक्रीज आता है वो क्या कहलाता है, विस्कोसिटी इंडेक्स। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ विस्कोसिटी में एवरेज डिक्रीज आपका बहुत कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका ये लो विस्कोसिटी इंडेक्स और हाई विस्कोसिटी इंडेक्स को हम पढ़ते हैं। लो विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस वहाँ पर वीक हैं, उस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ विस्कोसिटी बहुत तेज़ी से डिक्रीज होती है और यहाँ हम कह सकते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स उसका कम होगा। तो यहाँ पर विस्कोसिटी इंडेक्स कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज के साथ विस्कोसिटी उसकी बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ लो विस्कोसिटी इंडेक्स है, इसका मतलब लुब्रिकेंट अच्छा लुब्रिकेंट नहीं कहलाता। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स है तो वो हाई टेम्परेचर रेंज में भी वर्क कर सकता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। उसकी विस्कोसिटी में चेंज बहुत कम आ पाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनके इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड जनरली ये जो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं ये जनरली लीनियर और रॉड लाइक शेप्ड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लीनियर होने की वजह से क्या होगा कि इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है
वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी एट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगे लीनियर के केस में। अगर लीनियर शेप में नहीं होते तो वहाँ पर आके मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हो जाएंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ना। अब हम कंसिडर करते हैं, इधर देखिए हमने दो डिफरेंट ऑयल्स कंसिडर किए हैं। एक है पेनिसिल्वेनियन ऑयल। पेनिसिल्वेनियन ऑयल की जो विस्कोसिटी इंडेक्स होता है वो 100 होता है। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी में टेम्परेचर के साथ बहुत कम चेंज होता है। दूसरा है गल्फ ओरिजन का ऑयल, ऑयल्स ऑफ गल्फ ओरिजन, इनका विस्कोसिटी इंडेक्स वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि इनके में यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज के साथ साथ विस्कोसिटी में लार्ज अमाउंट में चेंज होता है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स, किसी भी ऑयल का विस्कोसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, आप लोगों ने लैब में प्रैक्टिकल किए हैं, वहाँ पर आपने अप्लाई किया होगा इसको, इसलिए आप लोग सभी इससे नोन होंगे कि विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ एनी ऑयल किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। ये इसका फॉर्मूला है, VI यानी विस्कोसिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू L माइनस U अपॉन L माइनस H इंटू 100। परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है इसको। L यहाँ पर जो हमने लिया है विस्कोसिटी ऑफ द लो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल, यानी कि 100 डिग्री फॉरेनहाइट पर आपका गल्फ ओरिजन का जो ऑयल है, गल्फ ऑयल है, उसका हमने विस्कोसिटी ली है, वो एल है। जिस ऑयल की हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस 100 डिग्री फॉरेनहाइट पर यू है। एंड एच से हमने डिनोट किया है पेनिसिल्वेनियन ऑयल की विस्कोसिटी को, कितने पर? 100 डिग्री फॉरेनहाइट पर। तो ये अपना कैलकुलेट करना है। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स में हमें ध्यान रखना है कि हमें विस्कोसिटी दी हुई होगी इन तीनों की, 100 डिग्री फॉरेनहाइट पर भी और 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर भी। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि हमें केवल 100 डिग्री फॉरेनहाइट वाली विस्कोसिटीज वैल्यूज लेनी है और उन्हें इन फॉर्मूले में पुट करके विस्कोसिटी इंडेक्स एनी ऑयल की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हम एप्रेटस यूज़ करते हैं, यानी कि लैबोरेटरी में किस तरह से हमने विस्कोसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट किया है, ये हम देखते हैं लैबोरेटरी में किस तरह से। रेडवुड विस्कोमीटर हमने यूज़ किया था, वो अपन देखते हैं। विस्कोसिटी किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, ये अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये देखिए कि विस्कोसिटी को हम जो डिटरमाइन करते हैं, रेडवुड विस्कोमीटर लेते हैं। हमने जो लैब में यूज़ किया था वो रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 था। दूसरा भी होता है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2। दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेडवुड विस्कोमीटर की जो ऑरिफिस का डायमीटर होता है, यानी कि जो जेट वाल्व होता है उसका जो डायमीटर होता है 1.62 मिलीमीटर होता है, और जेट की जो लेंथ होती है वो 10 मिलीमीटर होती है। यहाँ पर हम इसे रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 से हम लो विस्कस ऑयल की विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। रेडवुड विस्कोमीटर 2 जिसका कि ऑरिफिस का डायमीटर 3.8 मिलीमीटर होता है और जेट की लेंथ जो होती है 50 मिलीमीटर होती है, यहाँ से हम हाईली विस्कस ऑयल को मेजर करते हैं। हाईली विस्कस ऑयल की जो विस्कोसिटी है उसको मेजर करते हैं। यहाँ किस तरीके से करते हैं कि यहाँ हम जो मेजरमेंट करते हैं वो हम देखते हैं कि कितने टाइम में ऑयल कप से फ्लो होके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फ्लो होके कोल्ड वॉश फ्लास्क में पहुंचता है। तो जो टाइम वहाँ पर कैलकुलेट होकर आता है वो विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एट दैट टेम्परेचर, यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी फ्लोइंग कैपेसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि जो टाइम उसमें लग रहा है फ्लो करने में, कितना ml उसका फ्लो हुआ, उतने ml को फ्लो होने में जो टाइम लग रहा है वह टाइम विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम इसे करते हैं। एपरेटस आप देखिए कि इसका एपरेटस क्या है, कि ये एपरेटस है, आपने बनाया हुआ भी है, ड्रॉ किया है प्रैक्टिकल फाइल में, और दूसरा इसने आपने देखा भी है। यहाँ देखिए
कि ये ऑयल कप है, इस ऑयल कप में हमने ऑयल फिल किया हुआ है जिसकी कि हमें विस्कोसिटी मेज़र करनी है। ये वाल्व रॉड है, यहाँ ऑरिफिस, ये जो क्या है ऑरिफिस है जिसका कि डायमीटर कितना है 1.62 मिलीमीटर। इस वाल्व रॉड के थ्रू पहले हम इसे बंद कर देते हैं। ये कोल्ड वॉश फ्लास्क है जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इस ऑयल को गर्म करने के बाद हम इस जेट को खोल देते हैं, इस वाल्व को खोल देते हैं, और इस वाल्व से हम कितने टाइम में पर्टिकुलर अमाउंट में, मतलब कितने टाइम में हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑयल को फ्लो होने में जो टाइम लगता है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये कोल्ड वॉश फ्लास्क है जिसकी कि मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 ml। इस ऑयल कप में हमने थर्मामीटर, एक इसकी लिड पर थर्मामीटर अटैच किया है ऑयल कप के अंदर जिससे कि हम टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हैं। ऑयल डालने के लिए यहाँ से हमने इसको ऑयल को डालते हैं। ये आपकी वाल्व रॉड है जिसके थ्रू इसको हम वाल्व को ओपन कर सकते हैं, यानी कि ऑरिफिस डायमीटर को ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। इस ऑयल कप के चारों तरफ वाटर बाथ है। इस वाटर बाथ को हम यहाँ पर एक प्रोजेक्टेड वाटर बाथ जो है इसका प्रोजेक्टेड ट्यूब होता है, इस ट्यूब में हम बर्नर के थ्रू वाटर बाथ को गर्म करते हैं। यहाँ से गर्म पानी का बाहर एग्जिट होता है यानी आउटलेट सिस्टम है। स्क्रू लेवल्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम वाटर का लेवल करके रखते हैं कि ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। स्क्रू लेवल के थ्रू हमें से स्प्रिट लेवल यहाँ ऊपर लगा हुआ होता है, स्क्रू लेवल के थ्रू हम इसे लेवलिंग करके रखते हैं। वाटर के अंदर भी हमने, वाटर बाथ के अंदर भी हमने टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए थर्मामीटर लगाया हुआ है। इन दोनों थर्मामीटर्स पर टेम्परेचर की रीडिंग सेम आनी चाहिए। साथ ही हमने यहाँ जो स्टिरर लगाया हुआ है, इस स्टिरर के थ्रू हम ऑयल का मूवमेंट और वाटर का मूवमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि वाटर को भी स्टिर कर रहे हैं और ऑयल की भी स्टिरिंग हो रही है। दो स्टिरर हमने लगाए हुए हैं। जो वाटर बाथ है ये कॉपर का बना हुआ है जबकि ऑयल कप आपका सिल्वर प्लेटेड ब्रास सिलेंडर है। वर्किंग किस तरह से है, वर्किंग में हमने क्या किया है, सिंपली ऑयल को हमने पहले फिल कर लिया वाल्व रॉड के थ्रू। ऑयल फिल करने से पहले वाल्व रॉड के थ्रू हमने इस ऑरिफिस को, जेट ऑरिफिस जो है इसको हमने क्लोज कर दिया, ऑयल फिल किया, टेम्परेचर नोट डाउन किया स्टार्टिंग का। नाउ जो वाटर बाथ है इसका टेम्परेचर लिया, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अब हमने इस वाटर बाथ को यहाँ प्रोजेक्टेड ट्यूब जो है इसके थ्रू, इस बर्नर के थ्रू इसको गर्म किया, स्टिरिंग के थ्रू इक्वल रखते हैं टेम्परेचर को पूरे वाटर बाथ में। अब इसका टेम्परेचर भी नोट करते चलते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेंड होने के बाद ऑयल का भी टेम्परेचर लिया है, दोनों थर्मामीटर्स में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। पर्टिकुलर टेम्परेचर जब हमें मिलता है ऑयल का, उस टेम्परेचर पर हम इस वाल्व रॉड के थ्रू ऑरिफिस के डायमीटर को ओपन कर देते हैं, ऑरिफिस के डायमीटर ओपन कर देते हैं और धीरे धीरे जो आपका ऑयल है वो कोल्ड वॉश फ्लास्क में ड्रॉप आउट होने लगता है। और ये कितने टाइम में हम पर्टिकुलर अमाउंट इसका नोट करते हैं कि इतने टाइम में हमें इतना ऑयल मिल जाना चाहिए नीचे, वो हम इसमें मार्किंग है, उस मार्किंग तक इसे फिल कर लेते हैं। जैसे ही इस मार्किंग पे पहुंचता है वाल्व रॉड को बंद कर देते हैं। जो टाइम कैलकुलेट होकर आया वो उस टेम्परेचर पर विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये हम अपने एक्सपेरिमेंट्स की टेबल में इन्हें नोट डाउन कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग विस्कोसिटी कैलकुलेट कर ली जाती है, जो विस्कोसिटी की टेबल है कि इस ऑयल की विस्कोसिटी इस टेम्परेचर पर कितनी है। तो वो टेम्परेचर पर कितना टाइम लगा, कितना अमाउंट कैलकुलेट हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं।